The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is chelation? Chelation therapy kya hota hai? So guys, understand. Jab bhi aapki body mein metals, heavy metals like lead, मर्क्यूरी, आयरन, आर्सेनिक ऐसी चीजें जमा हो जाती हैं बॉडी के अंदर जो होती हैं बहुत कॉमनली जितना आपको लगता है उससे ज्यादा कॉमनली होती हैं, तब आपकी बॉडी में ये एक टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं. दे कैन बी टॉक्सिक टू योर बॉडी. और चिलेशन थेरेपी इज बेसिकली द ट्रीटमेंट जिससे कि हम कुछ दवाएं, सम मेडिसिंस आर यूज टू रिमूव दीज मेटल्स so that they don't make you sick. So chelation is this. कई सारे alternate health providers, alternate therapies जो basic medicinal therapy से नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो लोग chelation therapy को कुछ अजीबोगरीब तरीके से heart की बीमारी के लिए, दिमाग की बीमारी के लिए, जैसे Alzheimer's disease, heart attack, खून की नसों में ब्लॉकेज, ऑटिज्म, इन बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कायदे से चिलेशन थेरेपी इज सपोज टू बी यूज ओनली फॉर मेटल टॉक्सिसिटीज. सो देर इज वेरी लिटिल और नो एविडेंस दैट इट वर्क्स इन दीज कंडीशन, इन दोज हार्ट अटैक्स या हार्ट ब्लॉकेज, ऑटिज्म या अल्जाइमर्स, राइट. Chelation therapy can also have serious side effects including death, especially अगर वो गलत तरीके से किया जाए तो. So remember that chelation is not to be played with. So understand करते हैं, समझते हैं कि how it works. See, chelation therapy इसमें एक special दवाएं इस्तेमाल होती हैं. There are drugs which are used, special drugs obviously. These drugs basically bind to the metals in your blood and you get this chelation medicine through an IV route. इसको injection के through, IV के injection के through आपके शरीर में डाला जाता है, आम में, या फिर दवाई के ना, दवाई से आपको खिलाया जाता है. जैसे ही ये दवा metal के पास पहुंचती है, उस particular metal, चाहे वो iron हो, मेटल, कैडमियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, व्हाटएवर मेटल इट इज, राइट, एब्सोल्युटली किसी भी चीज मेटल की हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो सकती है. सो लेड, मर्क्यूरी, आयरन, कैसा भी हो, उसके पास जैसे ही जाता है ये उसको अटैच कर लेता है और बॉडी से यूरिन के थ्रू निकाल देता है. सो दैट इज द आइडिया ऑफ चिलेशन थेरेपी. मेटल्स विच कैन बी रिमूव्ड लाइक आर लेड, जो कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने से, क्ले पॉटरी इस्तेमाल करने से आपके शरीर में भर सकता है, मर्क्यूरी, आर्सेनिक बढ़ सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस चिलेशन थेरेपी करने से पहले टेस्ट करना जरूरी है कि आपकी बॉडी में ये पर्टिकुलर कौन से हैवी मेटल है ज्यादा, किसी मेटल की पॉइजनिंग है भी या नहीं, अननेसेसरी नहीं की जाती, राइट. और what other conditions this thing might treat, I just said, कई natural healthcare वाले लोग, कई सारे healthcare providers claim करते हैं कि chelation therapy autism, heart disease, heart blockage, Alzheimer's ऐसी बीमारियों को ठीक करते हैं. और याद रखिए, chelation therapy इस particular type के treatment के लिए approved नहीं है FDA के थ्रू. यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेटल पॉइजनिंग के लिए अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड ट्रीटमेंट होता है ये, राइट. सो रिसर्च क्या कहती है, ऑटिज्म में अगर आप इसको यूज करेंगे तो ऑटिज्म में बेस्ड इस आइडिया पे है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि बचपन में जो आपको वैक्सीन दी गई थी उसमें मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो रहा है, बट रिसर्च ने क्लियरली इसको बता रखा है कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा. ना तो बॉडी के अंदर मर्क्यूरी ज्यादा आ रही है थ्रू वैक्सीन, ना ही ऑटिज्म का कारण मर्क्यूरी की वजह से है. सो हैवी मेटल्स का कारण ही नहीं है तो उसको निकालने का मतलब ही नहीं है. इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहता है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि चिलेशन थेरेपी ऑटिज्म में
ना तो ट्रीटमेंट कर पाती है ना ही कोई, बट इट कैन बी डेंजरस, राइट? रिमेंबर, ना ही किसी तरीके का फायदा होगा, डेंजरस जरूर हो सकता है, राइट? और इसमें एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है चिलेशन थेरेपी करके. सो वी डोंट रेकमेंड एनी काइंड ऑफ चिलेशन थेरेपी इन चिल्ड्रन और फॉर ऑटिज्म. अल्जाइमर्स डिजीज में बोलते हैं कि ब्रेन के अंदर टाओ या बीटा अमाइलोइड प्रोटीन बिल्डअप हो रहा है और इसको ये डैमेज कर रहा है, तो आप चिलेशन से शायद उसको निकाल पाए, लेकिन क्लियर कट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि चिलेशन थेरेपी इनमें से किसी भी चीज में इस्तेमाल करके कोई भी किसी भी तरीके का फायदा हो पाएगा. सम ये भी सोचते हैं रिसर्चर्स कि मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, जिंक एल्जाइमर्स थेरेपी, एल्जाइमर्स डिजीज में रोल प्ले करते हैं और चिलेशन थेरेपी थोड़ा बहुत इसमें ट्रीट कर पाएगा, लेकिन इसका भी कोई भी लॉजिकल एविडेंस क्या रिसर्च एविडेंस नहीं है. एल्जाइमर डिजीज में चिलेशन थेरेपी नहीं इस्तेमाल की जाती. हार्ट डिजीज भैया सबसे बड़ी चीज जो इंडिया में चल रही है, लोगों को बोलते हैं नेचुरल बाईपास, ड्रिप लगाएंगे, रोज लेंगे, नेचुरल बाईपास होगा, ये नसें खोल देगा और खोल देगा और खोल देगा. बट सॉरी, ये गलत है, ये झूठ है, ये सरासर नाइंसाफी है. सो हार्ट डिजीज में यू गेट हार्ट डिजीज जब कोलेस्ट्रॉल, फैट्स आपके आर्टरीज में जमा हो रहे, प्लेक बन रहा है और ब्लड वेसल्स नैरो हो रहे हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी खून की नसों की बंद हो रही है और उसमें डिपॉजिट होता है कैल्शियम. जी हाँ, सो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है उसके अंदर. सो व्हाट पीपल डू, आपको चिलेटिंग एजेंट देते हैं EDTA. EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करता है और आइडिया ये है कि कैल्शियम के साथ बाइंड करके ये चिलेशन थेरेपी ब्लड से प्लाक से कैल्शियम निकाल लेगा और प्लाक खत्म हो जाएगा. बट बहुत सारे रिसर्च हो चुके इस चीज पे, कतई ऐसा नहीं होता. 2002 से लेके आगे तक बहुत सारे रिसर्च है, बिग स्टडी हो चुकी है चिलेशन थेरेपी पे, दिस इज कॉल्ड TACT, टैक्ट. इट फाउंड दैट दिस ट्रीटमेंट एक्चुअली डज नॉट सिग्निफिकेंटली डू एनीथिंग, राइट? थोड़ा बहुत सम वॉट इट माइट रिड्यूस कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा कैल्शियम, थोड़ा स्ट्रोक, हार्ट डिजीज में काम कर पाए, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए जिनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा हाई है, राइट? रिमेंबर, इंडियन पॉपुलेशन डू नॉट हैव हाई कैल्शियम, दे आर ऑलरेडी लो ऑन कैल्शियम. एंड पीपल विद डायबिटिक्स में ये थोड़ा सा काम करते हुए दिखा है. स्टडी में बिल्कुल ऐसा कोई प्रूफ नहीं पाया गया कि इट कैन ट्रीट हार्ट डिजीज, इट कैन ट्रीट हार्ट डिजीज, कतई भी नहीं, राइट? FDA, इसीलिए FDA ने इसको उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव नहीं किया, राइट? साइड इफेक्ट्स, चिलेशन थेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. आपको जहां पर वो लग रही है वहां बर्निंग हो सकती है IV एरिया पे, फीवर आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, नौजिया, वॉमिटिंग आ सकती है और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स भी कम हो सकते हैं साथ में आपकी बॉडी से, जैसे कि कैल्शियम, कॉपर, जिंक. इससे डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है. और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोगों ने चिलेशन कराई इनको कैल्शियम लेवल्स लो हो जाते हैं और कई बार किडनी डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट. जी हाँ, सो इट्स नॉट इतना सिंपल कि ये बोल दिया ये हो जाएगा, वो बोल दिया ये हो जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड चिलेशन थेरेपी या इस तरीके की कोई भी थेरेपी इज ओनली फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग, नथिंग एल्स. इट इज, देर इज जस्ट नो एविडेंस टू सपोर्ट एनी अदर यूज फॉर दिस ट्रीटमेंट. इट इज डेंजरस फॉर एनी अदर अनअप्रूव्ड यूज. बीवेयर ऑफ सच ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो आपको ऐसी थेरेपी देने के बारे में उल्टे सीधे प्रोमिसेस करते हैं. सो रिमेंबर, स्टे अलर्ट भाई साहब. इसको अलग अलग नाम से लोग दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. याद रखिए, हार्ट के लिए EDTA नाम की चीज़ें यूज़ होती हैं, चिलेशन थेरेपी यूज़ हो रही है. हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका बेसिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट चिलेशन थेरेपी. आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, अंडरस्टूड. सो हार्ट के पेशेंट्स खासकर किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी ट्राई करने को तैयार हो जाते हैं. बस बाईपास से बचा लो डॉक्टर साहब, हम कुछ भी कर लेंगे. बट ऐसा नहीं है. रिमेंबर,
आप जान बचाने को जाओगे उल्टा दूसरी बीमारियां लेके बैठ जाओगे. सो इट्स नॉट सो सिंपल, राइट? पहले से प्रिवेंशन करोगे ज्यादा बेहतर है. सो लाइक द वीडियो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू आस्क मी.